हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेसी आईक्यू। जीकेसी आईक्यू में मु वर्तमान आपमन को सहित डिस्कस करबी सिटी थर्ड कटअप विषय रे। तो पिला मन को बारंबार कमेंट आसु छि कि सर ये जो थर्ड कटअप जे सेटा बाहरबो कि नाही, जदि बे बाहरबो तो केबे बाहरबो सेटा कोंदु। तो मु भाबिली गोटे वीडियो नै कि आसीबा टाइम भलो हबो, आपन को सब डाउट एवं सब जो टेंशन होति सेटा दूर करबा टाइम भलो हबो। तो ए वीडियो रे मु आपन मानकर सब टेंशन को दूर कर देबी, जो पिला माने बारंबार कमेंट कर जंती एवं टेंशन हो जंती। तो फुल डिटेल्स कह देबी आपन को थर्ड कट बाहरबो कि नहीं, जदी बा बाहरबो तो केबे बाहरबो सब किछि। तो वीडियो सहित आपन को जोडित रहबा को पड़िबो जदी आपन जानबा को चाहंती, ठीक अछि। तो प्रथमे मु आपन को कह देबी, प्रथमे देखंतु आपन को सीबीटी एग्जामिनेशन हला ना नहीं। सीबीटी आपन जो सीटी एग्जाम देले ऑनलाइन देले, जाको हमें सीबीटी कहबा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपनको जेतले सीबीटी एग्जामिनेशन सरीगला, आपनकर किछि दिन पर रिजल्ट पब्लिश होला मेरिट लिस्टा। तो जेतले आपनको रिजल्ट पब्लिश करा गला, तो रिजल्ट आपन माने जानि पाइले कि निजर आपन माने केते केते मार्क पाइछंती, सीटी ते केते केते मार्क पाइछंती, केतेबेले जानि पाइले आपनकर मेरिट लिस्ट जेतले बाहिला, रिजल्ट बाहिला। तो रिजल्ट बाहिला पर किछि दिन पर तो आपनकर फास्ट कटअप पब्लिश होला। फास्ट कटअप आपनकर पब्लिश होला, से फास्ट कटअप रे जो पिला माने सिलेक्शन होइछंती हेले, जो पिला माने सिलेक्शन हेले तो सेमानंकर चॉइस लॉकिंग पई केछि दिन दिया गला। चॉइस लॉकिंग पूर्वरु तो कोन होतला, काउंसलिंग होतला, डायरेक्ट आपण भुवनेश्वर को जाई काउंसलिंग करबे, निजर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कला पोरे आपण जाई के माने इंस्टिट्यूट चूज करबे। किंतु वर्तमान ऑनलाइन करा जाई छी, आपण डायरेक्ट कंप्यूटर दुकान को जाई के आपण चूज करि परबे निजर इंस्टिट्यूट, को इंस्टिट्यूट आपण एडमिशन करबा को चाहौ छथिं, ठीक अछि। जेतेबेले आपण इंस्टिट्यूट चूज कर दे तो किसी दिन पर आपंकर कौन इंटिमेशन लेटर पब्लीश कर, इंटिमेशन लेटर पब्लीश हो। तो इंटिमेशन लेटर साफ साफ लिखा जाए कि आप कौटी को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जी और एडमिशन कौटी को जी। तो आप एडमिशन एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जाऊँच मैं फास्ट जो कटअप जो पे सिलेक्शन होती से हिसाब से मैं एडमिशन टाला। तो एडमिशन सरीगला बार दिन पर कौन है कि मैंने आपण सेकेंड कटअपटा पब्लीश होगा। सेकेंड कटअपटा बार दिन पर फास्ट जितेबले आपर फास्ट कटअप जो पिला सिलेक्शन होता है से पिला एडमिशन जो सरीगला तो बार दिन पर आपणकर सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट बाहरी गला। तो सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट भी से ही प्रोसीजर चली। तो सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जो पिला ना अच्छी से चॉइस लॉकिंग कर, तो चॉइस लॉकिंग पर इंटिमेशन लेटर आसव। तो इंटिमेशन लेटर जो जगह रखा जाइए, इंटिमेशन लेटर में जो जगह लगे, जो जगह को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जावाक पड़ो से इंटिमेशन लेटर में सबकि लिखा जाइए। तो सेटा को सेमाने जिबे, एपर्यंत तो इंटिमेशन लेटर आसीनी, तो सेमाने जिबे कोटा को माने जो जगह को लिखा जाइए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। तो से जगह को जाकि एडमिशन करेंगे, एडमिशन पर आपणकर आसब थर्ड कटअप, ठीक है जी। तो आपण जाणीगले कि आपण थर्ड कटअप आसव कहीं एमती कहली। देखो पूर्व वर्ष रे जदि आम कथा कहवा 2014 रु आरंभ करू, 2014 रु जदि 2017 पर्यंत आम जदि कहवा तो आप सब वर्ष सीटी रो थर्ड कटअप बाहर। तो एक्सपेक्टेड करा जाउची कि ए वर्ष भी आप थर्ड कटअप निश्चय बाहर। तो जो पिला माने माने चिंता रे अछंती, टेंशन नउछंती, से जमा भी टेंशन नियंतुनी, आप थर्ड कटअप निश्चय बाहर। केते बेले बाहर सेते बेले बाहर जितेबले कि आप सेकेंड कटअप रे जो पिला सिलेक्शन होती है से पिला जो एडमिशन हो, ठीक अच्छे। तो जमीक आप फास्ट सिलेक्शन जो पिला ना थी से एडमिशन पर आपंकर थर्ड सॉरी सेकेंड कटअप जमी बाहर, तो ठीक से ही सेकेंड कटअप जो पिला सिलेक्शन होती है से पिला जो एडमिशन सर आपणकर थर्ड कटअप बाहर। तो यानी देखो आप जो फास्ट कटअप थी एक्चुअली आप सेकेंड कटअप एंड थर्ड कटअप कौन सी सीट रखा जाए ना। तो फास्ट जो थिला ये आपणकर फास्ट सिलेक्शन रे जो पे सिलेक्ट होते तो जो एडमिशन सरीगला तो जनागला कि एतटा सीट खाली रही है ओबीसी पई एससी माने एससी पई एतटा सीट एसटी पई एतटा सीट स्ट्रीम भी से हिसाब से माने कैटेगरी एवं स्ट्रीम हिसाब से सीट गुड़ाक कलेक्ट कले और से हिसाब से आप सेकेंड कटअप छाड़े लाइक दैट आप कौन हाँ सेकेंड कटअप एडमिशन चलो। एडमिशन जो पिला सिलेक्शन माने एडमिशन करेंगे ना
ସେଇ ସିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ କଟକକୁ ଚାଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ କଟକ ପାଇଁ କିଛି ସିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟକରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ କେତେଟା ସିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ କଟକ ପାଇଁ ବୋଧେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପବ୍ଲିଶ୍ କରନ୍ତିନି SC ST ବାଲେ, ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି କି ଆପଣମାନେ ଅଚିନ୍ତା ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ କଟଅଫ୍ ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାହାରିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ଥାର୍ଡ଼ କଟଅଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର 12 ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ଟା, ସରି ସେକେଣ୍ଡ କଟଅଫ୍ଟା, ସେକେଣ୍ଡ କଟଅଫ୍ଟା 12 ଦିନ ପରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଲାଗିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ କଟଅଫ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7-8 ଦିନ ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ କଟଅଫ୍ଟା ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ କଟଅଫ୍ ବାହାରିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ କଟଅଫ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ କଟଅଫ୍ଟା ବାହାରିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ଯଦି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମର GKCIQ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେଇଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଟେକ୍ କେୟାର।